नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूबर्स ने अपना कमाल कर दिखाया है और टिकटॉक को 2 रेटिंग पे लाके खड़ा कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि 2 यहाँ पे एप्लीकेशन है टिकटॉक है। अब यहाँ पे जो रेटिंग की बात करें तो 1 पे 2 पॉइंट का रेटिंग है और दूसरे पे 1.1 का रेटिंग है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कमाल कर दिया है यूट्यूबर्स ने। जो आमिर सिद्दीकी चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा था कि हम लोग के वजह से यहाँ पे जो है यूट्यूबर्स की कमाई चलती है और यूट्यूबर्स हैं, आज यूट्यूबर्स ने पूरे इंडिया के यूट्यूबर्स जो है उन्होंने बता दिया कि टिकटॉक को हम लोग क्या से क्या कर सकते हैं, ईंट से ईंट बजा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप तो जानते हैं कि फैसू टिकटॉक का स्टार है, उसके वीडियो पे लाइक्स कितने और डिसलाइक्स कितने मिले ये तो आप अच्छे तरीके से देख रहे हैं, स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग यूट्यूबर्स हैं और यूट्यूबर्स की हमेशा बल्ले बल्ले रही है। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि टिकटॉक बैन होना चाहिए और सबसे बड़ी रीजन ये है कि पूरे दुनिया में सबसे बड़ा जालसाज जो है वो चाइना है। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि अभी तक आप मेरे चैनल पे आए हैं, नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके कॉमेंट करना ना भूले। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा जालसाज चाइना है और चाइना का पूरा दुनिया में जो है वो स्मार्टफोन चलते हैं और पूरे दुनिया में एप्लीकेशन चलते हैं और जितने भी एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं टिकटॉक तरह के बहुत सारे एप्लीकेशन है चाइनी, वो क्या क्या करता है चाइना के जो एप्लीकेशन को हम लोग यूज करते हैं उस एप्लीकेशन का सारा डाटा, हम सारे लोगों का पर्सनल डाटा जो है वो लेता है, अपने साइबर पे स्टोर करता है। जी हाँ दोस्तों, चाइना अपने साइबर पे जितने भी इंडियंस लोग हैं उनके पर्सनल डाटा को स्टोर करता है। लेकिन आप हमें बताइए कि कोई भी ऐसा डाटा हो जो चाइना को हो और आप अपने यहाँ देखते हो, पूरे दुनिया में चाइना के एप्लीकेशन चलते हैं लेकिन चाइना में कोई भी एप्लीकेशन नहीं, मेरे दोस्त चाइना में नहीं चलते हैं। कोई भी बाहरी एप्लीकेशन जो है चाइना में नहीं चलता है, बल्कि उनका खुद का एप्लीकेशन ही चाइना में चलता है। तो जब खुद का एप्लीकेशन वो चाइना में चलाते हैं, दूसरे के एप्लीकेशन को यूज नहीं करते हैं, तो हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, हिंदुस्तान में खाने वाले हैं, हम किसी टिकटॉक स्टार को नहीं मानते हैं और हम किसी आमिर सिद्दीकी को नहीं मानते, हम किसी चाइना को नहीं मानते। हम चाहें तो ईंट से ईंट बजा के रख देंगे। और आज टिकटॉक का जो रेटिंग है वो इतना बेकार हो गया सिर्फ यूट्यूबर्स की वजह से। जी हाँ दोस्तों, हम अगर एक साथ नहीं खड़े होते तो 2 की रेटिंग नहीं मिलने वाली थी टिकटॉक को। यहाँ पे टिकटॉक की वाट लग गई है और टिकटॉक स्टार तो अब गाना गाते नजर आ रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करते हैं काफी पसंद है वीडियो अगर पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि दूसरे लोग को भी ये इन्फॉर्मेशन पता चले। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।